दर्शकों आज बात करेंगे शनिदेव का 18 सितंबर 2019 से धनु राशि में मार्गी होना क्या रिजल्ट लेके आएगा सबके लिए, सभी राशियों के लिए। देखिए शनिदेव एक अत्यंत ही प्रभावशाली ग्रह है। एक राशि में ये 2.5 साल तक रहते हैं और फिर 2.5 साल के बाद ये दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो इनका जो प्रभाव है, भले ये सबसे मंद गति के ग्रह हैं, एक राशि से दूसरे राशि में जाने में सबसे अधिक 2.5 साल ये लेते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है ये अत्यंत संवेदनशील ग्रह हैं और प्रभाव बहुत तगड़ा करते हैं। और चूंकि एक राशि में ये 2.5 साल तक रहते हैं, 2.5 साल तक उस राशि में प्रभाव करते हैं, तो इनका प्रभाव जनमानस पे, आपका मार्केट पे बहुत गहरा पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे गहरा पड़ता है। अभी 142 दिन से ये वक्री चल रहे थे और ये निश्चित रूप से मार्केट में मंदी की स्थिति थी, गिरावट की स्थिति थी, क्योंकि शनिदेव का वक्री होना इन चीजों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो अब जो ये मार्गी होंगे तो इसका भी बहुत गहरा प्रभाव हमारे मार्केट पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हम लोगों सबकी राशियों पर पड़ेगा। तो उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में और आपको रेमेडी भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से आप चलें इनके मार्गी काल में कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो और हर राशि वालों के लिए इनका क्या प्रभाव होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए कि मेष लग्न वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो प्रेडिक्शन है गोचर का, ये तो चंद्र राशि पर ज्यादातर लोग देखते हैं और चंद्र राशि पर गोचर का प्रभाव माना जाता है, शनि की 7.5 ढैया सब चंद्र राशि पर देखी जाती है, लेकिन लग्न राशि पर भी इसका उतना ही प्रभाव मैंने देखा है, लग्न राशि पर अत्यंत प्रभाव हमने देखा है। इसलिए लग्न राशि को आधार मानकर मैं बता रहा हूं और आप लग्न राशि को ही आधार मानकर ये वीडियो देखिएगा, पहली चीज मैं आपसे ये कह दूं। दूसरी चीज, आप ये जो प्रेडिक्शन है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, चूंकि ये शनि का गोचर में प्रभाव, धनुराशि में मार्गी प्रभाव को हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप अच्छा से प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप निर्भर करेगा कि शनिदेव आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, कितना मारक, कितना योग कारक बन रहे हैं, किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, ये सारी चीजें आपको प्रभावित करेंगी। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसको जनरल प्रेडिक्शन की तरह आप देखिएगा और बाकी निर्भर करेगा आपके ग्रह की महादशा अंतरदशा पर और आपकी कुंडली पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि मेष लग्न पर, मेष राशि पर शनिदेव के इस मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेष लग्न वाले, मेष राशि वाले के भाग्य भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो यहां पर धनु राशि में ये मार्गी हो रहे हैं। अभी जो स्थिति थी आपकी 142 दिन से कि आपके भाग्य भाव में ही शनि वक्री थे, तो अपने वक्रत्व काल में मेष राशि वाले अपने भाग्य में कमी महसूस कर रहे होंगे, उनको भाग्य का साथ कम मिल रहा होगा वक्रत्व काल में, अभी भी मिल रहा है उनको क्योंकि अभी 18 सितंबर आया नहीं है। तो 18 सितंबर से जो ये स्थिति बनेगी, यहां पर जब शनि मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से आपको भाग्य का साथ मिलना स्टार्ट होगा, भाग्य में आपकी यहाँ पर वृद्धि शनिदेव कर सकते हैं। पहली चीज तो देखिए, गुरु अभी यहाँ वृश्चिक राशि में है और गुरु की ही राशि में यहाँ पर शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो गुरु से यह तात्कालिक मित्रता में भी हो गए, तो यहाँ पर मार्गी काल में अभी ये आपके भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, भाग्य से संबंधित जो काम रुकावटें हैं जिन कामों में, उस काम में ये अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। आप वैसे देखिए मेष लग्न में शनिदेव बहुत कारक, योग कारक नहीं होते हैं 10th और 11th के लॉर्ड होते हुए भी, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और मंगल लगने से इनकी उतनी अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन इनके पोजीशन पर भी निर्भर करेगी कि किस अवस्था में ये आपकी कुंडली में बैठे हैं। फिर भी चूंकि यहाँ पर ये मार्गी हो रहे हैं तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, आपके बने रुके हुए काम निकल सकते हैं, ये सब बेनिफिट यहाँ पर शनिदेव आपको दे सकते हैं। फिर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपकी इनकम भाव में जाके, इनकम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि 11th जो कुंभ राशि पड़ रही है, तो उससे आपके इनकम में भी ये वृद्धि कर सकते हैं, आपका जो आय जो रुका हुआ है, आय में अगर रुकावट आ रही है तो आय में भी ये वृद्धि कर सकते हैं, इनकम के एक से ज्यादा सोर्स भी आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि देखिए ये बड़े भाई बहन का घर है तो हो सकता है बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या ये दे दें, लेकिन जनरली आय में आपकी वृद्धि करेंगे, इनकम से रिलेटेड बेनिफिट आपको देंगे। फिर इनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पे जाकर। देखिए पराक्रम भाव में मिथुन राशि है, यानी इनके मित्र की राशि है, बुध की राशि है, तो पराक्रम में ये आपकी वृद्धि करेंगे, छोटे भाई से संबंधित, थोड़ा छोटे भाई बहन से हो सकता है थोड़ा सा मनमुटाव आपको हो सकता है, संभव है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन पराक्रम में ये वृद्धि करेंगे आपकी। पराक्रम में जब वृद्धि होगी तो पराक्रम के सामने भाग्य भाव है, पराक्रम आप जितना ज्यादा करेंगे भाग्य में भी उससे वृद्धि होगी, तो पराक्रम में वृद्धि करके आपके भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। आप फील करेंगे कि मार्गी होने के बाद आप में पराक्रम करने की शक्ति, थोड़ा कर्म करने की शक्ति बढ़ी हुई है। फिर वहां से ये दसवीं दृष्टि डालेंगे 7, 8, 9, 10 यहां पर इस भाव पर डालेंगे, यहां भी इनकी मित्र राशि है और चूंकि मार्गी होकर ये दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से रोग में, शत्रु में ये थोड़ी कमी जरूर करेंगे, उसका निवारण का रास्ता ये जरूर निकालेंगे।
देखिए अगर आप मेष लग्न वाले हैं तो मैंने जैसा कहा कि बहुत योग कारक नहीं बनते हैं, लेकिन आपको ये सब बेनिफिट अभी ये मार्गी काल में फिर भी दे सकते हैं शनिदेव, देंगे शनिदेव। तो आप एक काम करिएगा रेमेडी के रूप में, वैसे मैं दो तीन रेमेडी ऐसी बताऊंगा लास्ट में जो सबको करना चाहिए, लेकिन अगर आप मेष लग्न के हैं तो निश्चित रूप से आप हनुमान जी की आराधना करें। क्यों? क्योंकि एक तो लग्न से आपका मंगल है, मंगल बनता है, उसके भी अधिदेव हनुमान जी है और हनुमान जी से मित्रता बड़ी अच्छी शनिदेव की है, शनिदेव की पीड़ा में भी आराम मिलता है उनकी चालीसा से। तो हनुमान जी की आराधना आप निश्चित करें, शनिदेव से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए हनुमान जी की आराधना में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमानाष्ट का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपको इनके अच्छे प्रभाव में वृद्धि आपको प्राप्त हो। अब चलिए बात करते हैं वृष लग्न के बारे में, वृष राशि के बारे में। अब देखिए यहां पर वृष राशि में शनिदेव आठवें घर में यहां पर मार्गी हो रहे हैं धनुराशि में, और आठवें घर से पहले यहां पर गुरु यहां वृश्चिक राशि में अभी है, तो यहां पर गुरु से तात्कालिक मित्रता इनकी है। और आठवें घर में देखिए आप, आठवें घर में जो शनिदेव होते हैं कारक होते हैं, आठवें घर में बैठ के शनिदेव आयु की वृद्धि निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन चूंकि आठवां घर त्रिक भाव है और बहुत ही कष्टकारी घर होता है, तो यहां पर ग्रह आकर उतना कंफर्टेबल तो फील नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो तो कुछ तो बुरा परिणाम करता है आठवें घर में बैठा ग्रह, तो यहां पर कुछ बुरा परिणाम शनिदेव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि आप वृष राशि के हैं, वृष राशि में 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होकर शनिदेव बहुत ही योग कारक होते हैं, तो यहां पर शनिदेव की जो दृष्टि है, शनिदेव यहां से देखिए बढ़ रहे हैं नौवें घर की ओर, और नौवां घर में यहां इनकी अपनी राशि है मकर राशि में ये जा रहे हैं और मार्गी होकर जा रहे हैं। और शनिदेव देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जिस राशि में जाने वाले होते हैं, उस राशि से जाने के बाद जो प्रभाव वो करेंगे, वो प्रभाव 2 महीने 4 महीने 6 महीने से पहले से ही दृष्टिगोचर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शनि उस चीज को पहले ही भांप लेते हैं कि कहां वो जा रहे हैं। तो इस वक्त वो अपने घर में 9th हाउस में आपके जाएंगे, अगर आप वृषभ राशि के बनते हैं तो भाग्य भाव में वो जा रहे हैं मार्गी होकर 24 जनवरी 2020 को प्रवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से अभी से ही आपके भाग्य में वृद्धि करना शनिदेव स्टार्ट करेंगे। भाग्य में जब वृद्धि होगी तो भाग्य से संबंधित आप भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, जिससे आपके जो भी रुके काम है वो बन सकते हैं। आपका भाग्य जब बढ़ेगा तो जिन जिन चीजों में आपको भाग्य से मदद मिलनी चाहिए उसमें शनिदेव मदद दिला सकते हैं। उसके साथ ये धर्म का भी स्थान है, तो हो सकता है धर्म में भी आपकी रुचि शनिदेव बढ़ा दें। आठवां घर तंत्र मंत्र का भी होता है, ससुराल का भी होता है, तो हो सकता है यहां मार्गी शनि आपको ससुराल से भी कुछ लाभ करा दें, तंत्र मंत्र में भी आपकी इच्छा पैदा करा दें, तो ये सब चीज शनिदेव यहां पर कर सकते हैं और नवम हाउस में भाग्य वृद्धि करेंगे। देखिए फिर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहां पर 10th हाउस में, आपके 10th हाउस में मूल त्रिकोण राशि इनकी कुंभ राशि है, तो वहां पर इनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपका प्रोफेशन का घर है ये, यश मान पद प्रतिष्ठा का घर है, तो उसमें शनिदेव वृद्धि कर सकते हैं, आपके प्रोफेशन में वृद्धि कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई नया काम भी मिल सकता है, या जो भी काम आपका है उस काम को उस प्रोफेशन में आपको ये वृद्धि दिला सकते हैं। फिर यहां से इनकी जो पड़ेगी सातवीं दृष्टि 4, 5, 6, 7 देखिए यहां धन भाव पर पड़ेगी, तो धन भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी और मित्र दृष्टि इनकी पड़ेगी, तो इस जगह पर ये धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन से संबंधित फायदा आपको दिलाएंगे। लेकिन चूंकि ये कुटुंब का भी भाव है तो कुटुंब से हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी, आपके परिजनों से या कुटुंब से संघर्ष की स्थिति भी थोड़ा सा हो अगर आपका धन संबंधी मामला उनसे कुछ अटका हुआ, लेकिन आपको मदद दिलाएंगे ये धन संबंधी चीजों में, जरूर मदद दिलाएंगे शनिदेव यहां। फिर इनकी जो दसवीं दृष्टि पड़ेगी 7 के बाद 7, 8, 9, 10 दसवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर आकर पड़ेगी, पंचम भाव शिक्षा का स्थान है, तो शिक्षा में आपको मदद दिला सकते हैं। लेकिन प्रेम भाव से संबंधित अगर प्रेम का भी घर ये होता है तो लव रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए आप यहां पर थोड़ा सा समझदारी से चलिएगा, और बाकी हो सकता है नया लव रिलेशनशिप भी आपका बन जाए, क्योंकि शनिदेव की दसवीं दृष्टि यहां पर है, नए लव रिलेशनशिप भी आपके बन सकते हैं, तो शिक्षा से संबंधित फायदा आपको हो सकता है और कुछ चीजें आपको बेनिफिट के रूप में ये दे सकते हैं। तो ये तीन दृष्टियां इनकी इस तरह से आपको लाभ करेंगी। इनसे ज्यादा लाभ लेने के लिए एक तो आप शिवजी की आराधना करिएगा, और दूसरा शनिदेव को आप शनिवार के दिन ये भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं और शिवजी की आराधना आप जरूर करें, क्योंकि वृषभ राशि है आपकी, बैल इसका चिन्ह होता है, तो शिवजी की आराधना से भी शनिदेव की पीड़ा में निवारण होता है, और हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करिएगा, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। देखिए मिथुन राशि में शनिदेव यहां 7th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। आप समझिएगा यहां पर कि मिथुन राशि के लिए अष्टम और नवम
भाग्य भाव के शनिदेव मालिक बनते हैं। मिथुन राशि में ये कारक ग्रह बनते हैं शनिदेव, बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि 11th 9th हाउस भाग्य भाव के मालिक बनते हैं। अब शनिदेव का भाग्य भाव का मालिक होकर केंद्र में यहाँ पर 7th हाउस में बैठना ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि वक्रत्व काल में आपके लिए सब कुछ बुरा हो रहा था, मिथुन राशि के लिए वक्रत्व काल में भी कुछ चीजें अच्छी हो रही होंगी क्योंकि आप देखिए भाग्य भाव का मालिक होकर 7th हाउस में यहाँ पर बैठे हैं जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग कहीं ना कहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट और ज्यादा मिलेगा क्योंकि अब मार्गी हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए शनिदेव जो अगर लग्न में बैठकर ये सप्तम दृष्टि से यहाँ देखते हैं या सप्तम हाउस में बैठते हैं तो जनरली ये विवाह में लेट कराते हैं, बट आपके लिए यहाँ पर ये विवाह में लेट कराने वाले अभी नहीं बनेंगे क्योंकि 7th हाउस में विवाह स्थान में ये मार्गी हो रहे हैं। तो अगर विवाह आपकी अटकी हुई है, विवाह में अड़चने आ रही है तो उसको ये दूर करेंगे, विवाह कराने का काम ये कर सकते हैं, विवाह में जो विलंब है उसको ये खत्म कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी 1, 2, 3 मूल त्रिकोण राशि इनकी कुंभ राशि जो कि भाग्य भाव में पड़ रही है, तो भाग्य में ये आपकी निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ आपको अधिक मिलेगा इनके मार्गी काल में। धर्म का भी ये भाव है तो धर्म से संबंधित चीजें भी आप कर सकते हैं, धर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ सकती है इस पीरियड में। उसके बाद इनकी जो देखिए 7th दृष्टि पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी व्यक्तित्व पर, आपके ऊपर पड़ेगी। जब आपके ऊपर पड़ेगी तो निश्चित रूप से शनिदेव की दृष्टि जब व्यक्तित्व पर पड़ेगी यहां मार्गी होकर के, तो आपके व्यक्तित्व में ये वृद्धि करेंगे, आपके सोच समझदारी में ये वृद्धि करेंगे। हो सकता है आप मन ही मन कुछ अच्छे प्लान बनाए, अच्छे काम करें, लोग आपको मन ही समझ ना पाए और आपका व्यक्तित्व में निखार लाएंगे शनिदेव और आपके व्यक्तित्व में आपको एक चुंबकीय आकर्षण देने का काम यहाँ पर शनिदेव करेंगे। लेकिन चूंकि शनिदेव सेक्रेट प्लैनेट हैं, थोड़ा गंभीर हैं और उसके साथ साथ सेक्रेटली थोड़ा चीजों को करते हैं वो लोग, जब लग्न पर शनिदेव का प्रभाव पड़ता है हो सकता है इस टाइम आप मार्गी काल में थोड़ा सेक्रेट होकर काम करें। उसके बाद जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी जाके 4th हाउस में। देखिए 4th हाउस में इनकी दृष्टि भूमि वाहन और सुखों के घर पे पड़ेगी तो यहाँ पर माता से संबंधित थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन भूमि वाहन से संबंधित अगर काम अटके हुए हैं, जमीन लेने में आपको दिक्कतें आ रही है, प्रॉपर्टी डीलिंग में आपको दिक्कतें आ रही है, तो वो सब समस्या में आपको शनिदेव यहाँ पर मदद कर सकते हैं क्योंकि मार्गी होकर ये 10वीं दृष्टि जब यहाँ पर डालेंगे ये भी इनके मित्र राशि ही है तो यहाँ पर आपको मदद कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी योग कारिग्रह आपके कुंडली में ये बनते हैं। तो भूमि से संबंधित वाहन से संबंधित चीजों में ये आपको फायदा दे सकते हैं। अगर आपका मिथुन राशि है तो आप रेमेडी के रूप में भगवान कृष्ण की आराधना जरूर करिएगा क्योंकि भगवान कृष्ण और विष्णु का संबंध जो है वो बुध ग्रह से बनता है और शनिदेव कृष्ण जी के परम भक्त हैं। तो एक बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जब भी शनिदेव की पीड़ा में बहुत आराम करता है और हरे कृष्ण का मंत्र जपने वाले पर भी शनिदेव की कृपा बहुत अधिक बरसती है। तो कृष्ण जी की आराधना करिएगा, एक तो बुध उससे अच्छा होगा क्योंकि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जो है बुध के कारक है, गणेश जी भी है लेकिन भगवान विष्णु और कृष्ण भी बनते हैं तो उससे वो भी फायदा होगा और शनिदेव के भी सुपलों में वृद्धि होगी। तो भगवान कृष्ण की आराधना करिएगा, इस पीरियड में आपको अधिक लाभ मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। देखिए कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं वो इतने योगकारी ग्रह तो नहीं बनते, योगकारी तो छोड़िए यहाँ पर मारक ग्रह बन जाते हैं क्योंकि 7th और 8th का लॉर्ड होते हैं और चंद्रमा के साथ शनि का संबंध बिल्कुल ही अच्छा नहीं है तो यहाँ पर शनिदेव उतने योगकारक ग्रह नहीं बनते हैं। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, चूंकि आपके यहाँ पर सष्टम भाव में शनिदेव हैं और यहाँ पर ये मार्गी हो रहे हैं, 8th का लॉर्ड होकर के एक तरह से यहाँ बैठे हैं, विपरीत योग की स्थिति कुछ हद तक क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मार्गी होना कुछ अच्छा रिजल्ट आपके लिए जरूर करेंगे शनिदेव। इनकी तीसरी दृष्टि जाकर पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे और यहाँ पर ये मार्गी हो रहे हैं 6th हाउस में तो रोग में कमी ला सकते हैं, परेशानियां तकलीफ में थोड़ी कमी ला सकते हैं, अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ससुराल से थोड़ा सहयोग करा सकते हैं, ये सब फायदा आपको कर्क राशि वालों को हो सकता है। उसके बाद जो 7th दृष्टि इनकी पड़ेगी वो जाके पड़ेगी इस हाउस पे 12th हाउस पे, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको आपका विवाद चल रहा है या कुछ परेशानियां चल रही है तो हो सकता है उसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन शनिदेव दिला दें, कुछ अच्छे न्यूज दिला दें, लेकिन व्यय में भी जरूर वृद्धि करेंगे, बट व्यय में जो वृद्धि करेंगे चूंकि मार्गी होकर वृद्धि कर रहे हैं तो यहां पर हो सकता है व्यय भी आपका सही क्षेत्र में हो जो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद साबित हो। उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे 3rd घर पे जो कि मित्र राशि है इनकी, तो यहां पर आपके प्राकर्म में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपको आगे बढ़ाने में कुछ हद तक ये मदद करेंगे। लेकिन चूंकि चंद्र जो होता है इसमें ये इतने योग कारक नहीं होते हैं तो आप थोड़ी सावधानी भी जरूर रखिएगा। अगर आपका कर्क राशि है तो आप शिवजी की आराधना निश्चित रूप से करिएगा क्योंकि शिवजी की आराधना से शनिदेव की पीड़ा भी कम होती है, शनिदेव की पीड़ा को झेलने की शक्ति भी इंसान में आती है और कर्क अगर आपकी राशि है तो चंद्रमा उसका मालिक है, आपका लग्नेश भी पावर में आता है तो लग्नेश को पावर में लाना भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे भी अगर आप मजबूत होंगे तो आप परेशानियों को दुखों को तकलीफों को भी झेलने में सक्षम होंगे, तो इसलिए शिव आराधना आपके लिए बहुत मस्ट होता है। और ये 4 राशियां मैंने बताई और एक चीज
फिर से मैं कह दूं कि ये चारों जो प्रेडिक्शन है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बाकी डिपेंड करेगा शनिदेव किस स्थिति में है, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव की किसी भी दृष्टि पर चंद्रमा है कि नहीं, क्योंकि चंद्रमा जब शनिदेव की दृष्टि पर कुंडली में होता है तो शनिदेव की पीड़ा थोड़ा ज्यादा होती है, अगर चंद्रमा नहीं होता है तो पीड़ा थोड़ी कम होती है, सुफल थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो ये सारी बातें डिपेंड करेंगी, महादशा और अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है उस पर भी निर्भर करेगा। अब देखिए कुछ चीजें बता रहा हूं जिसका आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, अगर आप शनि से मदद चाहते हैं तो आप किसी भी लग्न किसी भी राशि के हैं लेकिन वो काम आप जरूर करें। वो पहली चीज ये है कि शनिदेव के जो रिप्रेजेंटेटिव है, शनिदेव जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लेबर क्लास पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लेबर क्लास पीपल की मदद जरूर करें। जो भी दुनिया में आपको असहाय दिखाई पड़े, कम ज्यादा मेहनत करने वाले लोग दिखाई पड़े, जो लेबर क्लास हैं, जिनकी वेजेस कम है, जो मेहनत जीवन में ज्यादा करते हैं, तो उनको आप निश्चित रूप से पीड़ित नहीं करें, उनको उनका आप सम्मान करें, उनको आप रिस्पेक्ट दें, उनकी जो भी फीस होती है वो थोड़ी बढ़ाकर दे दें, उनके जो भी चार्जेज होते हैं लेबर क्लास पीपल के वो थोड़ी बढ़ाकर दे दें। अगर आप लेबर क्लास पीपल को ठीक समझते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको उनकी थोड़ी मदद करते हैं तो शनिदेव आपको निश्चित रूप से पीड़ा कम देंगे, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अपने माता पिता का सम्मान करें, जो ओल्ड एजेस के लोग हैं उनका सम्मान करें, अपने कर्मों को थोड़ा सही रखें, ये सब प्राइमरी चीज है जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और आपको क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, उनको देखिए इन चीजों से उतना मतलब नहीं है कि आप उनकी कितनी पूजा अर्चना करते हैं, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, ये सब चीजें लोग बताते हैं लेकिन दीज आर द सेकेंडरी थिंग, द प्राइमरी थिंग क्या है, प्राइमरी थिंग फॉर ए जज कि आप अपने कर्म को सही करें, क्योंकि वो कर्म प्रधान ग्रह है, तो अपने कर्म को आप सही करें, उससे उनकी पीड़ा में आराम मिलेगा और मार्गी स्थिति में आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद सेकेंडरी चीजों में आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए, ये सब चीजें भी शनिदेव की पीड़ा को बहुत हद तक कम करेंगी, उनकी पीड़ा को झेलने में आपको मदद करेंगी और उन उबड़ने में और उनसे अच्छे फल की प्राप्ति में आपको मदद करेंगी।